गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज के लेक्चर में हम लोग विधि द्वितीय वर्ष के सब्जेक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 विधि LLB सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 जो कि हमारा पूर्व में चल रहा है, गिफ्ट दान सेक्शन 122 से 127 तक, जिसमें हम लोग पूर्व लेक्चर में सेक्शन 122 मैंने आप लोगों को बताया गिफ्ट क्या होता है, गिफ्ट कौन कर सकता है, गिफ्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होंगे, साथ ही गिफ्ट की डेफिनेशन और उसके स्पेशल फीचर्स, दान की विशेषताएं भी आप लोगों को मैंने बताया। आज हम लोग उसी कंटिन्यूएशन में सेक्शन 123 धारा 123 ट्रांसफर हाउ इफेक्टेड, अंतरण कैसे किया जाता है, धारा 123 में अंतरण किया कैसे जाता है, क्योंकि आपने गिफ्ट पढ़ते टाइम भी देखा कि संपत्ति का अंतरण आवश्यक है। अब अंतरण कैसे किया जाएगा, कैसे इफेक्टिव होगा, ये हम सेक्शन 123 में For the purpose of making a gift of immovable property, the transfer must be effected by a registered instrument signed by or on behalf of the donor and attested by at least two witnesses. अर्थात संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 123 जो कि अंतरण कैसे किया जाता है के बारे में बताती है। धारा 123 जो है वो स्लाइड में जैसा आपको दिख रहा है कि तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट जो है वो ये कहता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जो स्थावर संपत्ति है उसके दान के प्रयोजन के लिए वह अंतरण दाता द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित और कम से कम दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा करना होगा। इट मीन्स The transfer must be effected by a registered instrument signed by or on behalf of the donor and at least attested by at least two witnesses. And the second paragraph is for the purpose of making a gift of movable property, the transfer may be effected either by a registered instrument signed as aforesaid or by delivery. जंगम संपत्ति के दान के प्रयोजन के लिए अंतरण या तो यथापूर्वक प्रकार से हस्ताक्षरित रजिस्टर लिखित द्वारा या फिर परिदान द्वारा किया जा सकेगा। एंड द थर्ड पैराग्राफ इज सच डिलीवरी मे बी मेड इन द सेम वे एज गुड्स सोल्ड मे बी डिलीवर्ड, ऐसा परिदान उसी प्रकार से किया जा सकेगा जैसे बेचा हुआ माल परिदत्त किया जा सकता है गुड्स सोल्ड मे बी डिलीवर्ड, अर्थात बेची हुई संपत्ति का परिदान किया जाता है। यहां सेक्शन 123 में हमने देखा कि ये तीन पार्ट्स में डिवाइड है, तीन पैराग्राफ इसके लिए हैं। पहला फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो अचल संपत्ति के दान के बारे में बताता है, ए गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अर्थात इमूवेबल संपत्ति का दान किस प्रकार किया जाएगा, जो कि दान प्रपत्र लिखित में होगा और दाता द्वारा हस्ताक्षर और दो साक्षियों द्वारा अटेस्टेड होना चाहिए के बारे में प्रावधान बताता है। और सेकेंड पैराग्राफ मूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के बारे में बताता है, चल संपत्ति के दान के बारे में बताता है, जिसमें वो कह रहा है, जिसमें वो ये व्यवस्था करता है कि ट्रांसफर में भी इफेक्टेड आइदर बाय ए रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट साइन एज अफोरसेड और बाय डिलीवर, अर्थात चल संपत्ति का दान उपरोक्त प्रकार से जो आपने फर्स्ट पैराग्राफ में देखा जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का परिदान था या फिर कब्जे के परिदान द्वारा जैसे ही आप उसको पजेशन देते हैं इस प्रकार से हो सकता है। और थर्ड पैराग्राफ जो है उसमें परिदान का तरीका बताया गया है कि डिलीवर जो है वो ऐसे होगा जैसे कि जब हमने सेल पढ़ा था कि संपत्ति सेल आउट करते हैं, पैसा दिया और स्वामित्व का अंतरण हो गया, तो जैसे सेल आउट की प्रॉपर्टी उस तरह से हो जाता है। अब जब हमने सेल की बात की तो फिर से हम सेल जो सेक्शन 54 में दे रखा था सेल जो थी
उसको एक बार गिफ्ट्स के साथ कंपेयर करके देखते हैं कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। गिफ्ट और सेल जो है वो कंसीडरेशन से संबंधित है। सेल में हम लोगों ने देखा था कि वहां पे कीमत दी जाती, कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण सेक्शन 54 में किया जा रहा था, जबकि सेक्शन 122 में गिफ्ट जो है उसमें कहीं भी कंसीडरेशन नहीं है। सेक्शन 122 में संपत्ति शब्द का प्रयोग किया गया है और सेक्शन 54 में थिंग शब्द का यूज किया गया है। अचल संपत्ति में दान की रजिस्ट्री अनिवार्य है, संपत्ति की कीमत कुछ भी हो सकती है। और सेल में क्या था, जब 100 रुपया उससे अधिक की कोई वस्तु है तो ही रजिस्ट्री आवश्यक थी, उससे कम की वस्तु पे रजिस्ट्री आवश्यक नहीं थी। इस प्रकार आपने देखा कि जो सेल से डिफरेंस इमूवेबल गिफ्ट जो है उसका किस प्रकार से हो सकता है। अब इसको हम विस्तृत रूप से समझने के लिए सेक्शन 123 को हम, जैसा कि पैराग्राफ में डिवाइड है, फर्स्ट पैराग्राफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित है, उसे इसी प्रकार से टुकड़ों में बांट करके हम यहां समझने की कोशिश करते हैं। तो गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जब अचल संपत्ति के दान की बात आती है तो अचल संपत्ति का दान जो है सबसे पहले एसेंशियल पार्ट जो है वो है आपका बाय रजिस्टर डीड। अचल संपत्ति का दान हमेशा पंजीकृत विलेख द्वारा ही किया जा सकेगा, साथ ही साइन बाय डोनर और एनी रिप्रेजेंटेटिव, अर्थात दान विलेख पर दाता का हस्ताक्षर, या फिर अगर दाता नहीं है तो उसकी जगह उसका कोई भी प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव जो है, जो उस टाइम उसको जो उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है गिफ्ट का, वो उसको साइन कर पाएगा। थर्ड जो है वो है अटेस्टेड बाय टू पर्सन, अर्थात कम से कम दो व्यक्तियों द्वारा अनुप्रमाणन होना आवश्यक है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के गिफ्ट के लिए, अचल संपत्ति के दान के लिए तीन चीजें होनी बहुत ही आवश्यक है, रजिस्टर्ड डीड होनी चाहिए और साइन होनी चाहिए डोनर द्वारा, और दो पर्सन द्वारा अटेस्टेशन होना चाहिए। इसे हम लोग एक केस के माध्यम से विंग कमांडर आर एन डावर वर्सेस श्री गंगा शरण धाम AIR 1993 दिल्ली 19 के वाद के माध्यम से समझ सकते हैं। इस केस में क्या हुआ कि अचल संपत्ति का जो दान था वो बिना किसी डॉक्यूमेंट के, डीड के, सिर्फ और सिर्फ कब्जे के परिदान द्वारा कर दिया गया। जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने कहा कि अचल संपत्ति के दान में बिना किसी लिखित के, इंस्ट्रूमेंट के, मात्र कब्जे का परिदान जो है वो दान ग्रहिता को कोई भी विधिक अधिकार नहीं देता है, अर्थात अगर विदाउट रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, विदाउट एनी डीड वो है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट है तो उसके डीड आवश्यक है, लिखित डॉक्यूमेंट उसका इंस्ट्रूमेंट आवश्यक है, क्योंकि बिना किसी लिखित उसके कब्जे के परिदान से आप उसे लीगल राइट्स नहीं दे पाते। अब बात आती है एग्जीक्यूशन एंड अटेस्टेशन की, कि निष्पादन जो है अटेस्टेड होना चाहिए या दान जो है वो एग्जीक्यूशन होना चाहिए और अटेस्टेशन होना चाहिए। किस प्रकार से हम इन्हें एग्जीक्यूशन और अटेस्टेशन होता क्या है? आमतौर पे हम ये समझते हैं कि जब कोई उस एग्जीक्यूशन जो है वो दाता का काम है, डोनर जो है वो करता है एग्जीक्यूशन। अटेस्टेशन जो है, जो विटनेसेस जो है, जो उसको उस टाइम देख रहे हैं कि हाँ ये डोनर है, जो दान दे रहा है वो वही व्यक्ति है, उसी की संपत्ति है, उसको अटेस्ट करते हैं। अर्थात निष्पादन दाता के हस्ताक्षर, उसकी अंगूठा निशानी या चिन्ह जो बना रहा है उससे पता चलता है, और अटेस्टेशन जो वो ये चीजें कर रहा है उस चीज का अनुप्रमाणन है, तस्दीक करना है, जो कि दूसरे दो लोग करते हैं, जिन्हें हम लोग यहाँ पे बार बार विटनेसेज कह रहे हैं कि गवाह अनुप्रमाणित करेंगे।
निष्पादक द्वारा दस्तावेज पे अपनी दस्तखत जो है उसको ये कहना कि हाँ ये उसी द्वारा किए गए हैं, अनुप्रमाणन साबित करने की जिम्मेदारी से मुक्त कर देते हैं। एक्सक्यूज मी, एक केस मैलो वर्सेज बख्तावरी AIR 1985 अलाहाबाद हाई कोर्ट 160। इस केस में क्या हुआ, एक इलिटरेट महिला द्वारा केस दायर किया गया। उसने कहा कि कपट के आधार पे उसको हिबा, जो उसके द्वारा हिबा की गई उसको कपट के आधार पे उसने निरस्त करवाने की मांग की। दानदाता ने, आदाता ने अनुप्रमाणन के साक्ष्यों का परीक्षण नहीं किया था, कोर्ट में अनुप्रमाणन साबित नहीं हो पाया। जब कोर्ट में ये बात पहुंची तो दान जो है, दान और जो संपत्ति थी उसका अंतरण आदाता को हुआ ही नहीं था। कोर्ट द्वारा फिर इसमें विपरीत निर्णय दिया गया। इसी तरह समरथी वर्सेज परशुराम AIR 1975 पटना हाई कोर्ट 140। इस केस में भी दान विलेख आदाता या उसकी ओर से किसी अन्य को दे दिया गया। इसे पर्याप्त स्वीकृति मानते हुए पटना हाई कोर्ट ने कहा कि ये कंप्लीट एक्सेप्टेंस है, क्योंकि अभी हमने दो स्लाइड पहले देखा कि उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव द्वारा या सेक्शन 123 की डेफिनेशन में भी है कि कब्जा परिदान द्वारा संपत्ति का स्वामित्व जो अंतरण कर रहे हैं, कब्जे के परिदान द्वारा भी दान संभव है। एक और केस बलवंत सिंह वर्सेस मेहर सिंह AIR 1974 पंजाब हाई कोर्ट 130। इस केस में कहा गया कि आदाता के दस्तक दो बार अलग अलग समय पे दान विलेख पर होते हैं। फर्स्ट टाइम जब होते हैं, जब किसी डॉक्यूमेंट का एग्जीक्यूशन होता है। सेकंड टाइम जब सब रजिस्ट्रार के सामने वो साइन करता है। सेक्शन 123 में दान की पूर्णता की बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, इसलिए अटेस्टेशन और उनका एग्जीक्यूशन आवश्यक है। इसी तरह MC डिसूजा एंड अदर्स वर्सेज SR फर्नांडिस एंड अदर्स AIR 1998 केरल हाई कोर्ट। इस केस में हाई कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि दान एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, विलेख द्वारा किया जाता है। दो अटेस्टेशन विटनेसेस होते हैं। जहां ये सब नहीं हो पाते वहां दान विलेख अवैध होगा, वॉइड होगा, वैलिड नहीं होगा। अर्थात इन सब केस के माध्यम से अगर आप देखें तो जो केरल हाईकोर्ट द्वारा कहा गया कि इसके अलावा कोई और सबूत नहीं होता है, अटेस्टेशन होगा और साक्षी इसे प्रमाणित करेंगे, इसके अलावा दान रजिस्टर्ड डीड द्वारा नहीं है तो अवैध होगा। बात आती है चल संपत्ति के दान की, गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। जब चल संपत्ति का दान किया जाता है तो रजिस्टर्ड डीड होगी, डिलीवर पजेशंस एंड ट्रांसफर और गिफ्ट विदाउट एनी कंडीशन, पंजीकृत विलेख द्वारा किया जाएगा, साथ ही कब्जा दिया जाएगा, पजेशन दिया जाएगा। और कब्जे का परिदान जो मैंने सेक्शन 123 की डेफिनेशन में ही बताया कि कब्जे का परिदान ऐसे किया जाएगा जैसे कि सेल के समय होता है, बिक्री के बेची हुई संपत्ति का अंतरण किया जाता है। तीसरा जो है वो ये है कि ट्रांसफर या गिफ्ट जो है विदाउट एनी कंसिडरेशन, बिना किसी कंसिडरेशन के अंतरण जो है बिना किसी शर्त के होना चाहिए, दान स्वामित्व का पूर्ण अंतरण करता है। दान की जाने वाली संपत्ति का पूर्ण स्वामित्व दाता से आदाता में
चला जाता है। तो जब आप ये कह रहे हैं कि पूर्ण रूप से स्वामित्व चला जाता है, तो जब कोई शर्त लगा दी जाएगी या कोई सीमा लगा दी जाएगी तो दान शून्य हो जाएगा। अर्थात मूवेबल प्रॉपर्टी की गिफ्ट के समय दान की वैधता के लिए उसका पूर्ण होना आवश्यक है, दान का संपत्ति का अंतरण किया जाएगा, और अंतरण करते समय कोई भी शर्त या सीमा नहीं लगाई जाएगी। आज हम लोगों ने ट्रांसफर हाउ इफेक्टेड सेक्शन 123 अंतरण कैसे किया जाता है को यहाँ पर समझा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेक्शन 124 वर्तमान और भावी संपत्ति का दान पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।